नमस्कार मित्रों, मैं हूं जुगाड़ी जानू और द मैच के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है महाभारत। जी नहीं, महाभारत तो है लेकिन ये महाभारत है महाराष्ट्र की। एक दिलचस्प तुलना पेश है। कल 22 नवंबर की रात थी। आज से ठीक एक वर्ष एक दिन पहले यानी 21 नवंबर 2018 की रात कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर विधानसभा भंग करने का ऐलान किया था। यह तब हुआ था जब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने उस रात ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि वो एनसी और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। लेकिन तब बताया गया कि कश्मीर के राज्यपाल भवन की फैक्स मशीन खराब हो गई, इसलिए यह सूचना सत्यपाल मलिक को मिल नहीं पाई और उन्होंने कश्मीर विधानसभा भंग कर दी। उन्होंने उसका एक बड़ा कारण यह भी बताया कि अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों से मिलकर सरकार बनाना उनके विवेकधीन शक्तियों के अनुसार सही नहीं था। ठीक एक साल बाद कल रात महाराष्ट्र विधानसभा बिल्कुल उलट सीन हुआ। विपरीत विचारधारा वाली पार्टी एनसीपी के अजित पवार और बीजेपी की बातचीत रात करीब 11:45 बजे फाइनल हुई, जिसके बाद राज्यपाल को सूचित कर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। सरकार गठन के लिए पर्याप्त संख्या बल को लेकर राज्यपाल कोश्यारी जी ने ना जाने कैसे इस प्रस्ताव से आश्वस्त हो गए और उन्होंने तुरंत केंद्र को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा भेजी। इस अनुशंसा पर राष्ट्रपति भवन रात में ही जाग गया और राज्यपाल की अनुशंसा पर केंद्र ने सुबह 5:47 बजे राष्ट्रपति शासन हटा दिया और सुबह शासन हटाने के बाद सुबह 8:05 बजे फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली। यानी बीजेपी के हित का काम हो तो क्या राज्यपाल और क्या राष्ट्रपति, पूरी कायनात मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने में लग जाती है। सरकारी मशीनरी रातों रात चौकस हो जाती है, लेकिन यदि बीजेपी के हितों के खिलाफ काम हो तो फैक्स जैसी साधारण मशीन भी खराब हो जाती है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता जॉनी जॉनी नो डैडी जी के पास, जो कि स्वयं शिवसेना मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि वे स्वयं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे। जी जी जॉनी जॉनी नो डैडी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए बोलिए। अरे यार पूरी रात खड़ा करके रखा हुआ है, थोड़ा साइड हो जाए। हाँ जी जानू जी, हाँ जी फिर से। अरे आ रहे। हाँ जी शिवसेना के कार्यालय एकदम बाहर खड़े हम। जितना अधिक पचाया जिसने उतनी ही छोटी डकार है, बस इतना सा समाचार है। निर्धन देश धनी रखवाले, भाई चाचा बीवी साजे, सबने मिलकर डाके डाले, शेष बचा सो राम हवाले। फिर भी सांस ले रहा हूँ अब तक, कोई दैवी चमत्कार है, बस इतना सा समाचार है। मन को ढाढस लाख बंधाऊं, चमकीले सपने दिख जाऊं, परी देश का कथा सुनाऊं, घिसी वीर गाथाएं गाऊं, किस कंबे पे करूं भरोसा, सब पर दीमक का कतार है, बस इतना सा समाचार है। हाँ जी जानू जी, बस आजकल इतना ही समाचार। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शर्ट है ये शिवसेना वालों ने हमें गिफ्ट करी है, क्योंकि मुझे तो समय ही नहीं मिला घर जाके कपड़े बदलने का। जी 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 जॉनी जॉनी नो डैडी जी, जी मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, हमारी भी ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं। आप वहाँ हैं तो जाइए, थोड़ा वड़ा पाव खाइए और जाके सो जाइए। जी जी जी। तो ये थे हमारे संवाददाता जॉनी जॉनी नो डैडी जी। आखिरकार सच बात रविशंकर प्रसाद के मुँह से निकल गई कि महाराष्ट्र की लड़ाई दरअसल देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा जमाने की अंतिम लड़ाई है। आप क्या सोचते हैं, अगर कोई और दूसरा स्टेट होता तो बीजेपी रातों रात इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करती जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में की है? महाराष्ट्र में 1,45,000 करोड़ के घपले के आरोपी को, जिसे पिछले 5 सालों से जेल भेजने की बातचीत हो रही है, ठीक है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देती हैं? बिल्कुल नहीं। यह महाराष्ट्र है जहां देश की सबसे
अधिक बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देने वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सच तो यह है कि देश का सबसे समृद्ध राज्य समझे जाने वाले गुजरात से देश का सिर्फ और सिर्फ 4.5% ही इनकम टैक्स कलेक्शन मिल पाता है, जबकि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र विद 38.3% टॉप पर होता है। देश के सभी राज्यों से प्राप्त टैक्स आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली 13.7% मिलकर पूरे देश का आधा इनकम टैक्स दे देते हैं। गुजरात से ऊपर तो कर्नाटक 10.1 और तमिलनाडु 6.7% है, और इनका टैक्स महाराष्ट्र इसलिए देता है क्योंकि वह देश के बड़े कॉरपोरेट का गढ़ है। अधिकतर फॉर्च्यून 500 कंपनियों के हेड ऑफिस मुंबई और पुणे में ही हैं, और यही कॉरपोरेट यह तय करते हैं कि देश के किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। दरअसल ब्यूरोक्रेसी की ही तरह देश में अब कॉरपोरेट में दो तरह की लॉबिंग है। पहले हैं गुजराती लॉबी, जिसमें अडानी अंबानी जैसे ताकतवर समूह शामिल हैं, और दूसरे हैं गैर गुजराती लॉबी, जिसमें अब विदेशी कॉरपोरेट का समर्थन उन्हें मिल रहा है। यह लॉबी मोदी 2.0 वर्जन में अब बेहद एक्टिव हो गई है, क्योंकि उसे अपने हितों पर मंडराता खतरा साफ साफ दिख रहा है। उन्हें यह खतरा अडानी अंबानी की बादशाहत से है, जिसे धड़ाधड़ मोदी सरकार सरकारी ठेके देकर मजबूत बनाई जा रही है। यह बात अब गैर गुजराती लॉबी को अच्छी तरह से समझ आ गई है, और अब वह खुलकर महाराष्ट्र में बीजेपी के विरुद्ध शिवसेना को समर्थन कर रही है, और मराठा क्षत्रप चीनी मिलों की लॉबी के निर्विवादित नेता शरद पवार यह स्थिति समझ चुके हैं, इसलिए वह भी कांग्रेस को साथ में लेकर शिवसेना का साथ दे रहे हैं। अडानी अंबानी महाराष्ट्र और गुजरात में एक ही दल को सत्ता में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र गुजरात की कोस्टलाइन पर फैला हुआ है। इसी हिस्से में वेस्टर्न कॉरिडोर पर अडानी के पोर्ट हैं और अंबानी की रिफाइनरी है, जो महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो अडानी अंबानी के हितों को तत्कालीन रूप से गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और इसी कारण रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक का गेम रचा गया है। यही है असली वजह इस गड़बड़ की। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अब पसंद आ ही गया है तो थोड़ा लाइक दबा दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। मैं हूँ जुगाड़ी जानू, और आशा करता हूँ कि आप नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएंगे। जी हाँ, सब्सक्राइब करें दमेश को,